I hope you are fine and safe. Myself, Mrs. Smita Mahajan, and I am your teacher. और आज किसका कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है? हिंदी का. Yes, हिंदी तो आप डेली घर में बोलते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम जो हमने पिछले जो पूरा महीने में हमने पढ़ा है हम उसे रिवाइज करेंगे. हमने जो जो कविताएं पढ़ी है, हमने जो अक्षर ज्ञान सीखे हैं, हम उन सभी का रिवीजन करेंगे. हम उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि हम उन चीज़ों को भूले नहीं. उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा बच्चों, तो हमने जो कविताएं याद की वो आप सब याद ही होगी, है ना? अच्छा, हमने कौन कौन सी कविताएं याद की है? हमने पिछले महीने में 3 कविताएं याद की है, राजा, कागज की नाव और मोटू राम. तो क्या आपको ये तीनों कविताएं याद हैं? ठीक है, एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे, हम इन तीनों कविताओं को फिर से दोहराएंगे. ठीक है. अच्छा, तो पहली कविता है मुन्ने राजा, जो आपकी ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 74 पर दी हुई है. ठीक है, तो हम आज पहले मुन्ने राजा कविता दोहराएंगे और आपको मेरे साथ बोलना है ये कविता. ठीक है. ओके, रेडी. आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, अपना तो है पढ़ना काम. ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, मुन्ने राजा कुछ तो सीख, मुन्ने राजा कुछ तो सीख. अब ये कविता तो आपको याद है. अब हमने दूसरी कौन सी कविता याद की थी? हाँ, कागज की नाव. कागज की नाव आपको याद है? ओके, आप ये कविता भी आपकी ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 78 पर दी हुई है ना? स्टार्ट और रिपीट आफ्टर मी. मेरे बाद में आपको दोहराना है. गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, चलो तैरने चलें, चलो तैरने चलें, ठंडे पानी की लहरों में, ठंडे पानी की लहरों में, मिलकर कूद पड़े, मिलकर कूद पड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कागज की हम नाव बनाए, कागज की हम नाव बनाए. ठीक है. आप थर्ड नंबर राइम, और वो कौन सी राइम थी? मोटू राम. हाँ, मोटू राम. चले शहर पर मोटू राम, चले शहर पर मोटू राम, देखा एक लटकता आम, देखा एक लटकता आम, झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, झटपट चढ़ने लगे पेड़ पर, लड़ा ततैया गिरे धड़ाम, लड़ा ततैया गिरे धड़ाम. ठीक है. अब आपको ये तीनों राइम्स को अच्छे से पक्के याद करनी है ना? भूलना नहीं. ओके, अब हम रिवीजन करते हैं. किसका? हमारे अक्षर ज्ञान का, हमारे सभी स्वरों का. हमने पिछले वन मंथ में हमारे सारे स्वर को कंप्लीट कर लिया है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे स्वर याद हो गए होंगे, है ना? और आपको उनका उच्चारण भी अच्छे से याद हो गया होगा. तो ठीक है, मेरे साथ एक बार आप सभी स्वरों को रिपीट करिए, स्वरों को उनके उच्चारण के साथ रिपीट करिए. अब आ, अ, आ,
मम्मा से बोलकर अपनी नोटबुक में एक सुंदर सी वर्कशीट बनानी है। अपनी नोटबुक को फाड़ना नहीं है, है ना, और गंदी भी नहीं करना है, और अच्छे से सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्कशीट्स बनानी है और मैम को फोटो क्लिक करके सेंड करना है। तभी तो आप स्मार्ट बच्चे बनोगे ना। हाँ, आप तो वैसे भी बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें वर्कशीट। ओके, अभी क्या लिखा है? अक्षर को चित्रों से मिलाओ। क्या आप इन सभी अक्षरों को पहचानते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, ये कौन सा अक्षर लिखा है, ये कौन सा अक्षर लिखा है? ये है औ से औरत, औ से औरत। और औ से क्या होता है? औ से औरत तो होता ही है, बताइए औ से और क्या होता है? औजार भी होता है, और क्या होता है? देखो यहाँ कौन से चित्र बने हैं। पहला चित्र बना है ओ से ओखली, फिर बना है औ से औषधि। तो क्या ये औ से शुरू होता है? हाँ, तो हमको औ अक्षर से औषधि को मिलाना है। औ से औषधि, है ना, औ से औषधि। हमने यहाँ अ अक्षर से औषधि को मिला दिया है। अब दूसरा अक्षर कौन सा है औ के नीचे? ओ। कौन सा अक्षर है? ओ। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ओखली, ओ से होता है ओखली। और क्या होता है? ओढ़नी।
ओढ़नी मीन्स दुपट्टा। अब यहाँ हमें देखना है कि ओ से ओढ़नी बना है या ओखली बना है। हाँ, ये किसका चित्र है? ओ से ओखली, ओ से ओखली। तो ओ से ओखली को हम मिला देंगे। हमने ओ से औषधि, ओ से ओखली को आपस में मिला दिया। अब नेक्स्ट, ये क्या लिखा है? अम से अंगूर, अम से अंगूर। अब यहाँ कहीं अंगूर का पिक्चर है क्या? ये अंगूर का चित्र है? नहीं। तो क्या ये अंगूर का चित्र है? हाँ। अब हमें क्या करना है? अम से अंगूर को मिलाना है। ये अम से अंगूर, तो अम से अंगूर को मिला दिया। अब अगला अक्षर ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। और क्या होता है ऐसे? इरावत, यस। और क्या होता है? एम्बुलेंस, यस। तो देखिए यहाँ क्या बना है? ये तो एड़ी का चित्र है, फिर अंगूर का है। ओ, ये रहा एम्बुलेंस का चित्र, है ना? तो ऐसे एम्बुलेंस, ऐसे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में बीमार लोगों को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, है ना? ऐसे एम्बुलेंस। तो ए अक्षर कहाँ है? ये रहा। और एम्बुलेंस कहाँ है? ये रही। हमको एम्बुलेंस से ए को मिलाना है। ये मिला दिया, वेरी गुड। अब हमारे पास सिर्फ एक चित्र बचा है जिसे हमने नहीं मिलाया है, और वो है एड़ी का। ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी, है ना? तो ए कहाँ लिखा है? ये रहा ऐसे एड़ी। तो ऐसे एड़ी को मिला दिया। इसी तरह से आपको स्वरों के कुछ अक्षरों से चित्रों को मिलाना है, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा कि इन स्वरों से कौन से चित्रों की अक्षरों की शुरुआत होती है, है ना? अब नेक्स्ट, ओ अक्षर पर गोला बनाओ। क्या करना है यहाँ हमें? ओ अक्षर पर सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अक्षर लिखे हैं। अब क्या आपको पता है ओ अक्षर कैसे होता है? ओ अक्षर हम कैसे बनाते हैं? ओ अक्षर बनाने के लिए पहले हम बनाते हैं ऊ उल्लू का, फिर अ अनार का, फिर आ आम का, और इसके ऊपर एक चोटी के साथ में ओ ओखली का। ये कौन सा अक्षर है? ओ ओखली का। अब आपको ये ओ ओखली का अक्षर इस ओखली के अंदर ढूंढना है, और उस पर क्या बनाना है? सर्कल। क्या बनाना है बच्चों? सर्कल, ठीक है। तो क्या ये ओ ओखली का है? यस, हाँ, ये है ओ ओखली का। तो मैम ने इस पे क्या बना दिया? सर्कल, गोला, है ना? ऐसे गोला बनाना है आपको, ठीक है? अब ओ के बाद में ये क्या लिखा है? ये तो अ अनार का है। क्या हमको अ अनार पे गोला बनाना है? नहीं। नेक्स्ट, ये कौन सा अक्षर है? आ से आम। क्या आम पर गोला बनाना है? नहीं। फिर इ से इमली। क्या ई पर गोला बनाना है? नहीं। फिर, अरे फिर देखिए ये कौन सा अक्षर है? ओ से ओखली। हाँ, तो हमें इस पर सर्कल बनाना है, गोला बनाना है, है ना? अब नेक्स्ट अक्षर कौन सा है? बड़ी से
ईक, बड़ी से ईक, उ से उल्लू, उ से उल्लू। तो हम ईक पर भी सर्कल नहीं बनाएंगे और उल्लू पर भी सर्कल नहीं बनाएंगे। फिर है ओ से और ओखली, ओ से ओखली। तो क्या हम इस पर सर्कल बनाएंगे? हाँ, मेक सर्कल। नेक्स्ट, फिर कौन सा अक्षर है? ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। क्या हम इस पे सर्कल बनाएंगे? नहीं। ऋ से ऋषि, ऋषि पर सर्कल बनाएंगे? नहीं। फिर ए से एड़ी, एड़ी पर भी सर्कल नहीं बनाना है। फिर कहाँ है ऊ से ओखली? ये रहा, हाँ इस पर हमें सर्कल बनाना है। फिर ओ ओखली के बाद में कौन सा अक्षर है? ऐसे आईना, ऐसे रावर, ऐसे एम्बुलेंस। तो क्या हमें इस पे सर्कल बनाना है? नहीं। फिर अम से अंगूर, अम से अंगूर। क्या अंगूर पे सर्कल बनाना है? नहीं। नेक्स्ट अह, अह पर भी सर्कल नहीं बनाना है। ओ हिया, देखिए ये रहा एक ओ से ओखली। अब हम ओ से ओखली पर सर्कल बना देंगे। हाँ, अब हमने इस ओखली के चित्र में जितने ओ से ओखली लिखे थे उन सभी पर सर्कल गोला बना दिया है, है ना? तो इस तरीके से बच्चों आपको अक्षरों की पहचान करनी है, उन्हें ढूंढना है और पता लगाना है कि वो अक्षर कहाँ है और उस पर सर्कल बनाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब अगली वर्कशीट कौन सी है हमारी? अक्षर से, अक्षर मिलाओ। आपको सेम अक्षर को मिलाना है, एक जैसे दो अक्षरों को मिलाना है। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह ओ से ओखली, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, अह ओ से औरत, अम से अंगूर। अब बच्चों इसमें जो एक जैसे अक्षर हैं उनको आपस में मिलाना है। तो देखिए ये कौन सा अक्षर है? ए से एड़ी। अब यहाँ ए से एड़ी कहाँ लिखा है? क्या ये ए से एड़ी है? नहीं। तो क्या ये ए से एड़ी है? हाँ, हमको इस ए से एड़ी से इस ए से एड़ी को मिलाना है। नेक्स्ट, ये कौन सा अक्षर है? ऐ से ऐनक, ऐसे ऐनक। तो हमें इस ऐसे ऐनक से इस ऐसे ऐनक को मिलाना है।
मेटिंग। अब ये कौन सा अक्षर है? ओ से ओखली, ओ से ओखली। अब दूसरा ओ से ओखली कहाँ है? क्या ये ओ से ओखली है? हाँ, तो इस ओ से ओखली को इस ओ से ओखली से मिलाना है, मैचिंग। नेक्स्ट, औसे औरत, औसे औरत। तो यहाँ औसे औरत कहाँ है? क्या ये है औसे औरत? नहीं, ये है औसे औरत। हाँ, तो ये औसे औरत और इस औ को आपस में मिलाना है। नेक्स्ट है अम से अंगूर, अम से अंगूर। तो अम से अंगूर कहाँ है? क्या ये है अम से अंगूर? नहीं, तो क्या ये है? हाँ, अम से अंगूर से अम से अंगूर को मिलाना है। अब लास्ट क्या है? अह। लास्ट क्या है? अह। और अह कहाँ है? ये रहा, अह से अह को मिलाना है। ये डन। अब इस मैचिंग में हमने क्या करा, इस जोड़ी मिलाओ में हमने क्या किया? समान अक्षरों को आपस में मिलाया है। ए से ए को, आई से आई को, ओ से ओ को, औ से औ को, अम से अम को और अह से अह को। आई होप स्टूडेंट्स यू लर्न ऑल दिस लेटर्स। आपको ये सारे स्वर अच्छे से याद हो गए होंगे। You enjoy this video? Now bye bye students.